अब सत्ता के तांडव का ट्रेलर दिखने लगा है। जैसा मैंने आपसे कहा था, कल लोकसभा स्पीकर चुनाव में जीत के बाद आज पहले दिन के कार्यक्रम में ही ओम बिरला अपने पुराने अवतार में उतर आए हैं। विपक्षी सांसदों के साथ तू तरा करके बातें करना, उन्हें चुप करा देना, इसी का डर था। और दूसरे ही दिन से ओम बिरला जो है वो मोदी शाह के इशारे पर काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल तो यही आरोप उन पर लगाया गया, ओम बिरला पर लगाया गया। क्यों लगाया गया, क्या आरोप उन पर लगा, सदन में दूसरे ही दिन ओम बिरला ने सत्ता पक्ष ने क्या तांडव मचाया, बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सदन में लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला को क्यों चुना गया, उसके कई वजह मैंने आपके सामने रखी है अब तक। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ओम बिरला के अलावा कोई ये काम नहीं कर पाते। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति, किस पे आपत्ति नहीं, सलामत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। किस पे आपत्ति, किस पे आपत्ति नहीं, सलामत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सत्र के चौथे दिन लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला कांग्रेस सांसद पर नाराज हो गए। नाराज क्या, गुस्सा हो गए, तिलमिला गए। आखिर तिलमिला क्यों गए, संविधान के नाम पर अगर लोकसभा स्पीकर बौखला जाते हैं, तिलमिला जाते हैं, तो सोचिए जिस पार्टी से वो ताल्लुकात रखते हैं वो पार्टी संविधान की कितना रक्षा करेगी, और उस सरकार, उस पार्टी की सरकार संविधान के लिए कितना नमन करती होगी, संविधान को कितना, क्या सोच रखती होगी संविधान को लेकर के। दरअसल शपथ लेने के बाद शशि थरूर, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, वो जय हिंद जय संविधान का नारा लगाते हुए नजर आए, जिसके बाद उन्होंने स्पीकर ओम बिरला के साथ हाथ मिलाया, जहां ओम बिरला ने उनके नारे लगाने वाली बात पर कहा कि आप संविधान की ही तो शपथ ले रहे हैं, अलग से आपको जय संविधान बोलने की जरूरत क्या है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में जो है या टोंट करते हुए उन्होंने शशि थरूर को ये बात कही। पहले बात तो जय संविधान अगर कोई कहता है तो उनको इस बात से बौखलाहट उनकी जो है नाजायज हो जाती है। अगर जय संविधान, जय किसान, ये सारे नारों पर अगर लोकसभा स्पीकर तिलमिला उठते हैं, अगर वो नाराज हो जाते हैं, अगर वो गुस्सा हो जाते हैं, तो सोचिए संविधान के कितने बड़े रक्षक हैं हमारे ओम बिरला साहब। खैर दोस्तों, कहा जाता है कि जो वंदे मातरम नहीं कह पाता, जो भारत माता की जय नहीं कह पाता है, वो कहीं ना कहीं देश विरोधी है, वो देशद्रोही है। हो सकता है हो देशद्रोही, अगर कोई भारत माता की जय ये कह ना सके। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप जय संविधान कहने से, अगर कोई जय संविधान कह रहा है तो आपको उन्हें टोंट मारने की जरूरत पड़ जाए, तो यह भी सोचने की आवश्यकता है क्या आप संविधान विरोधी तो नहीं है। जिसके बाद ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस सांसद को ओम बिरला चिल्ला करके कहे कि सलाह मत दिया करो, चलो बैठ जाओ, चुप हो जाओ, बैठ जाओ, ये उनको कहना पड़ गया। दरअसल ओम बिरला के नारे पर आपत्ति जताने के बाद शशि थरूर ने, ओम बिरला ने जैसे ही शशि थरूर के जय संविधान के नारे पर आपत्ति जाहिर किया, उसके बाद शशि थरूर के समर्थन में अन्य कांग्रेस के सांसद खड़े होकर के विरोध जताने लगे, जिसमें सबसे पहले खड़े होकर के विरोध जो जताया वो है कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पीकर के आपत्ति जताने का विरोध दिखाते हुए कहा कि आपको इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके जवाब में ओम बिरला जो है तिलमिला जाते हैं, वो गुस्सा जाते हैं। ओम बिरला ने हुड्डा पर भड़क उठे और उन्होंने कहा कि शांत कराते हुए उन्होंने कहा, शांत कराने वाली बात नहीं है, दरअसल उन्होंने दिखाया कि तुम विपक्ष में हो तो चुपचाप बैठे रहो। उन्होंने कहा कि किस पर आपत्ति हो, किस पर आपत्ति ना हो, इसकी सलाह मत दिया करो, चलो बैठो।
पहली बात तो वहां पर हर किसी को आप करके संबोधित किया जाना चाहिए, चाहे वो वरिष्ठ सांसद हो, चाहे वो नए नवेले सांसद हो, चाहे उनकी उम्र ज्यादा हो या कम हो। जिसे लेकर के कांग्रेस और विपक्ष जो है ओम बिरला जी का जमकर जो है कि उनकी इस टिप्पणी को लेकर के, उनके इस व्यवहार को लेकर के उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की ओर से ये ट्वीट आया है जिसमें कहा गया कि ओम बिरला जी, सांसद आपको सलाह नहीं देंगे तो क्या नेपाल के लोकसभा अध्यक्ष को सलाह देंगे? दीपेंद्र हुडा भाई ने गलत क्या कहा जो आपने जाट समाज से आए सांसद का इस तरह से अपमान किया? चलो बैठो, ये कौन सी भाषा है? क्या आप इसी भाषा में मोदी जी और अमित शाह जी को बोल सकते हो? चुनौती देता हूं, एक बार मोदी जी या शाह जी को कहकर दिखाइए चलो बैठो, ये अहंकार नहीं तो क्या है? भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता क्या? संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्षी सांसद के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। चुनावों के दौरान सामने आया संविधान विरोध अब नए रूप में सामने है और जो हमारे संविधान को कमजोर करना चाहता है। जिस संविधान से संसद चलती है, जिस संविधान की हर सदस्य शपथ लेता है, उस संविधान से हर नागरिकों को जान और जीवन की सुरक्षा मिलती है, क्या अब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उसी संविधान का विरोध किया जाएगा? अब दोस्तों आप इस वीडियो को गौर से देखिए और गौर से सुनिएगा। किस तरह से जब सदन में माननीय ओम बिरला साहब प्रवेश करते हैं तो उनके लिए भाजपाई सांसद जय श्रीराम जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे हैं, लेकिन ओम बिरला जी को इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो बौखला नहीं रहे, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर ओम बिरला जी को, हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर को जय संविधान या संविधान की जय हो के नारे से दिक्कत हो रही है, उनकी परेशानियां, उनकी बौखलाहट वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों सोचने वाली बात है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो कि एक संवैधानिक पद पर हैं, वो सांसद चुने भी गए कोटा से, राजस्थान से, उन्होंने भी संविधान की शपथ ली और अगर संविधान की शपथ लेते हुए जय संविधान के नारे लगाए जाए, संविधान जिंदाबाद कहा जाए, तो उससे आपत्ति किसे कैसे हो सकती है? और किसी ने अगर संविधान के नारे लगाए, आप उनको टोंटबाजी कर रहे हो? संसद पर बैठकर आप अध्यक्ष हैं, आप लोकसभा स्पीकर हैं, संविधान की शपथ आपने भी ली है, उसी संविधान को अपमान करते हुए आप दो बार नहीं सोच रहे? सिर्फ विपक्ष को नीचे दिखाना है, विपक्ष को चुप कराना है, सत्ता पक्ष के चाटुकारिता में आपको अगर विपक्ष को चुप कराना है, नीचे दिखाना है, क्या उसके लिए संविधान को अपमान करने की जरूरत है? क्या यही भाषा, चुप करो बैठ जाओ, इस तरह के बर्ताव क्या आप अमित शाह या नरेंद्र मोदी या भाजपा के किसी भी ऐरे गैरे किसी भी सांसद के साथ कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, जो सवाल विपक्ष ने उन पर उठाया है, उन पर लगाया है आरोप कि उन्होंने संविधान का अपमान किया। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस विवादित लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया, क्या जानबूझकर वो पिछले 5 साल से जिस तरह से काम किए हैं, विपक्ष का जिस तरह से उन्होंने गला घोटा है, क्या वही वो जारी रख पाए? इसी के चलते ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर नरेंद्र मोदी और शाह ने बनाया है? आपको क्या लगता है लोग ओम बिरला के इस व्यवहार पर, आपकी टीका टिप्पणी जो भी होगी आप कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करेगा, बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचा सके, क्योंकि आपको पता ही है ये तमाम खबरें जो है देश नीति और जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसी प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलती है, बाकी गोदी मीडिया इन तमाम खबरों को कहीं ना कहीं जो है दबाव तले दबा देता है, लेकिन देशनीति बेखौफ और बेबाक पत्रकारिता पर भरोसा रखा है और आगे भी ये पत्रकारिता हमारा जारी रहेगा। तो हमें बस आपकी सहयोगिता की जरूरत है, देशनीति को सपोर्ट कीजिए, आज़ाद मीडिया को, फ्री जर्नलिज्म को अपना भरपूर सपोर्ट दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। Thank you.